पथरिया विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, जहां एक ओर सभी प्रत्याशी अपने लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं, वहीं वर्तमान में विधायक रहे लखन पटेल भी इस दौड़ में आगे हैं। आइए बात करते हैं लखन पटेल जी से। चुनावी शोरगुल के बीच एक आवाज उठ रही थी, लेकिन पार्टी एवं संगठन के लोगों द्वारा आपकी टिकट के लिए विरोध किया गया, कहां तक सत्य बात है ये? पार्टी विरोध नहीं कहते इसको, इसको अधिकार है। पार्टी में हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, हर आदमी टिकट मांग सकता है, उसमें क्या बात है, विरोध, ऐसा कोई विरोध नहीं। लेकिन संगठन के लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा था आपका? नहीं, ना संगठन के लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, संगठन के लोग अपनी बात कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी मानी जाती है और ये प्रजातंत्र को मानने वाली पार्टी है, इसलिए सबको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। आपकी टिकट फाइनल होने के बाद बगावत की लहर चालू हो गई थी और बाबा जी ने बगावत की, क्या कहना है आपका? नहीं, मैं उसको उनके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, वो मेरे से बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। किन किन मुद्दों को लेकर के आज आप जनता के बीच में आ रहे हैं? विकास, विकास और विकास। आप इस क्षेत्र में देख लीजिए, आप पूरे क्षेत्र में पंचम नगर में 675 करोड़ रुपए की पाइपलाइन टेंडर पाइपलाइन बिछ रही है और डैम बन के तैयार हो गया। हम पिछले 2 साल से पानी भी छोड़ रहे हैं, अभी इस साल 30 जून तक सारे किसानों के खेतों पर पाइपलाइन बिछा दी जाएगी और अगली साल की फसल के समय सबके खेतों में स्प्रिंकलर से पानी होगा। इससे बड़ा कोई काम और हो नहीं सकता। आप अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? 100% मैं जीतूंगा। जनता के लिए क्या संदेश देंगे आप? जनता, जनता सब कुछ है, जनता आशीर्वाद देगी मुझे पक्का, क्योंकि मैंने विकास और निर्माण के काम किए, जनता के बीच में संपर्क रखा है, जनता के बीच में जुड़ा रहा हूँ। मैं 5 साल मैंने दौरे किए, जनता के सुख में, दुख में, हर शादी में, ब्याह में, सब में मैं आया हूँ और उस कारण जनता मुझे आशीर्वाद देगी। और जहाँ तक विकास और निर्माण के काम है, 2500 करोड़ रुपए के काम पथरिया विधानसभा के अंदर है, 4 बड़े बड़े सिंचाई के डैम जिससे लगभग 80 से 85% किसानों के खेतों में स्प्रिंकलर से पानी पहुँचेगा। आप ज़रा सोचिए, कल्पना कीजिए, 2003 से पहले 1 डिसमिल 1 इंच सरकारी शोर से सिंचाई नहीं थी और इन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने सिंचाई के काम बढ़ाए और इन पिछले 5 सालों में ये 4 बड़े बड़े डैम बना करके और 2 साल के भीतर सारे किसानों, 1.5 साल के भीतर सारे किसानों के खेतों पर पानी पहुंच जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।